जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन मतलब क्या बीजेपी शासन। जम्मू कश्मीर में 6 महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद बुधवार को रात से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बुधवार को जम्मू में राष्ट्रपति शासन को लेकर आदेश जारी हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर को लेकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। राज्य में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में गठबंधन सरकार से जून में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक संकट बना हुआ है और अब राष्ट्रपति शासन लग गया। बता दें कि इस साल जून में राज्य में उस समय राजनीतिक संकट पैदा हो गया था जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से बीजेपी अलग हो गई थी। पिछले महीने राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था जिसे निलंबित रखा गया था। बता दें कि राष्ट्रपति शासन के आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला बोले कि अब राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन को खत्म कर चुनाव करवाना चाहिए ताकि लोग अपनी सरकार चुन सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वाली राज्यपाल सत्यपाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार को फैसला किया था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या उसके प्राधिकार के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां 6 माह का राज्यपाल शासन अनिवार्य है। इसके तहत विधायिका की तमाम शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। ऐसे में अगर कहें कि अब जम्मू कश्मीर की तमाम विधायिका और कार्यपालिका से जुड़ी शक्तियां राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्रीय कैबिनेट यानी कि बीजेपी सरकार के हाथ में आ गई है तो गलत नहीं होगा। न्यूज़ मार्केट 18 की रिपोर्ट।